नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आज हम बात करने वाले हैं न्यू 2023 होंडा शाइन 100 के बारे में। और आज मैं इस बाइक का एक फुल डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू करने वाला हूँ। बाकी इस बाइक में आपको क्या क्या नया फीचर्स देखने को मिलता है, कितना ऑन रोड प्राइस है, कितना माइलेज आप इस बाइक से एक्सपेक्ट कर सकते हो, उसके साथ साथ कितना कलर वेरिएंट के साथ आ रहा है, सारा डिटेल्स मैं इस वीडियो के दौरान आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। और वेरी स्पेशल थैंक्स टू क्लाउड 9 होंडा मधुमग्राम। आप अगर वेस्ट बंगाल के रहते हो तो डेफिनेटली आप क्लाउड 9 होंडा मधुमग्राम में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। शोरूम का सारा डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इसका वॉक अराउंड फटाफट शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ये बाइक जो है E20 के साथ ही आता है। तो E20 का स्टिकरिंग आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, उसके साथ साथ ये जो बाइक आप देख पा रहे हो सिंगल वेरिएंट के साथ आता है। तो बेसिकली इसमें आपको ड्रम ब्रेक की देखने को मिलेगा, इसमें कोई भी डिस वेरिएंट आपको नहीं देखने को मिलेगा। कलर वेरिएंट की अगर बात करें तो टोटल आपको 5 कलर स्कीम देखने को मिलता है। ये जो पर्टिकुलर कलर स्कीम आप देख पा रहे हो ये है ब्लैक विथ रेड, इसको छोड़ के और 4 कलर स्कीम आता है, ब्लैक विथ ब्लू, ब्लैक विथ ग्रीन, ब्लैक विथ गोल्ड और ब्लैक विथ ग्रे कलर। तो 5 कलर स्कीम का फोटो आपका स्क्रीन पर अभी आपको दिख रही होगी। उसके साथ साथ प्राइस की अगर बात करें तो यहाँ पे ये जो शाइन 100 है सबसे ज़्यादा मोस्ट अफोर्डेबल शाइन अभी तक का आप कह सकते हो, क्योंकि इसका जो एक शोरूम प्राइस है ये 64,900 रुपीज़ के आसपास अप्रोक्सीमेटली इसका एक शोरूम प्राइस है कोलकाता में। और ऑन रोड प्राइस की अगर बात करें तो 79,600 रुपीज़ के आसपास इसका ऑन रोड प्राइस है। तो चलिए इसका फुल डिटेल वॉक अराउंड शुरू करते हैं। तो चाबी से शुरुआत करते हैं। चाबी यहाँ पे आपको नॉर्मल की देखने को मिलता है होंडा के ब्रांडिंग के साथ, वेब की आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। इग्निशन आप यहाँ पे जैसे ऑन करते हो सामने में इसका कोई भी हेडलाइट सेटअप आपको यहाँ पे जलता हुआ नहीं देखने को मिलेगा। मेन हेडलाइट सेटअप की अगर बात करें तो हैलोजन हेडलाइट सेटअप दिया गया है। एक बार मैं आपको इसको ऑन करके दिखा दे रहा हूँ। तो बेसिकली इसका भी हाई बीम आप देख सकते हो, यह है इसका हाई बीम, और मैं एक बार लो बीम भी आपको दिखा रहा हूँ, ये है इसका लो बीम। तो ऑल हैलोजन हेडलाइट सेटअप विथ हैलोजन ब्लिंकर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो ऑरेंज कवर के साथ यहाँ पे देखने को मिलता है। और होंडा का स्टिकरिंग आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और मेन जो वाइजर है वो आपको पूरा प्लेन ग्लॉस ब्लैक फिनिश में वाइजर दी गई है। इधर आपको स्टिकरिंग वर्क देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ यहाँ पे आपका बाइक का जो है नंबर प्लेट फिट होगा। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, और ये काइंड ऑफ आपको लॉन्ग ट्रैवल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दी गई है। मडगार्ड जो है मैट ब्लैक फिनिश आपको यहाँ पे मडगार्ड देखने को मिलता है, फाइबर का मडगार्ड दिया गया है। रिफ्लेक्टर आपको दोनों साइड पे दिख जाएगा, ये एक्चुअली ड्रम ब्रेक के साथ ही आता है। तो फ्रंट में यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक ही देखने को मिलेगा, 130mm का आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है, जो कॉम्बी ब्रेक सिस्टम के साथ आता है। रियर ब्रेक अगर आप अप्लाई करोगे फ्रंट ब्रेक ऑटोमेटिक इंगेज होगा। टायर प्रोफाइल की अगर बात करें तो 2.7517 का ट्यूब टायर मिलता है, एक्चुअली ये ट्यूबलेस नहीं है। तो वो भी एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, तो ये आप देख सकते हो ये ट्यूब टायर के साथ आ रहा है। उसके साथ साथ MRF का टायर यहाँ पे दिया गया है, टायर पैटर्न आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और 2.7517 का आपको यहाँ पे ट्यूब टायर मिलता है। टैंक कैपेसिटी की अगर बात करें तो 9 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, और ये E20 फ्यूल को जो है सपोर्ट करने वाला है। तो आप E20 फ्यूल आप इसमें डाल सकते हो, और आप चाहे तो नॉर्मल फ्यूल भी इसमें डाल सकते हो, बिना दिक्कत के ये बाइक चलेगा। और ये आपका फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है, तो डेफिनेटली कार्बोरेटर इंजन तो इसमें आपको नहीं देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ 9 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। माइलेज की अगर बात करें तो 70+ KMPL का माइलेज इस बाइक से आपको आराम से मिलेगा, क्योंकि एक 100cc का बाइक है। उसके साथ साथ डायमंड टाइप फ्रेम इसमें दिया गया है, जो होंडा बेसिकली उनका हर बाइक में मैक्सिमम बाइक में यूज़ करता है। इंजन की अगर बात करें तो 98.98cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल BS6 फेस 2 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जिसमें आपको लगभग 7.38 PS की मैक्स पावर मिलेगा, और 8.05 Nm का टॉर्क मिलेगा 4-speed गियरबॉक्स के साथ। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको किक स्टार्ट तो दिख ही रहा होगा, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको सेल्फ स्टार्ट भी दिया गया है। इधर आप कैटेलिटिक कन्वर्टर देख पा रहे हो, क्रैश गार्ड जो है वो आपका एक्सेसरीज पार्ट है, वो आपको एक्सेसरीज के दौरान लेना पड़ता है। बाकी इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है काफ़ी तगड़ा है, 168mm इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस है। सीट हाइट की अगर बात करें तो 786mm इस बाइक का सीट हाइट है। आपका हाइट अगर 5'4" भी है तब भी इस बाइक को आप डेफिनेटली चला पाएंगे। मेन जो बात है इस बाइक का वेट, ओनली 99 kg इस बाइक का वेट है। शाइन का ब्रांडिंग आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ESP जो बेसिकली होंडा यूज़ करता है, इनर स्मार्ट पावर, जिससे आपको तगड़ा माइलेज भी मिलता है और उसके साथ साथ पावर भी ठीक ठाक मिलता है। क्रोम का ट्रीटमेंट आपको इधर देखने को मिलेगा। सीट डेफिनेटली कंफर्टेबल है, बट यहाँ पे आपको मीडियम सॉफ्ट मिलता है, और ये डेफिनेटली आपका काफ़ी चौड़ा है, उसके साथ साथ लंबा सीट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो राइडर और पिलियन जो है बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से इस बाइक में राइड कर सकते हैं। एग्जॉस्ट जो है आपका एक छोटा सा एग्जॉस्ट यहाँ पे दिया गया है, ऊपर में आपको मैट मेटालिक सिल्वर फिनिश एक सील दिया गया है। एक बार मैं आपको एग्जॉस्ट नोट भी सुना दे रहा हूँ इस बाइक को स्टार्ट करके, तो ये आप इसका एग्जॉस्ट नोट सुन पा रहे हो।
इंजन का साउंड भी आप यहाँ पे सुन पा रहे हो। बाकी एग्जॉस्ट का नोट आपको कैसा लगा आप लोग जरूर नीचे मेरे को कमेंट कीजिएगा। पिलियन फुटपेक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ट्विन हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर मिलता है जो नॉन एडजस्टेबल है, मतलब एडजस्ट आप इसको नहीं कर सकते हो। और पीछे में आपको 110 सेक्शन का ड्रम ब्रेक मिलता है, पाइप स्विंग आर्म के साथ आता है। रियर जो टायर है वो आपका 3.0017 का ट्यूब टायर मिलता है, ट्यूबलेस आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। 5 स्पोक एलॉय व्हील के साथ MRF का ही टायर यहाँ पे दिया गया है। टायर पैटर्न भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो। टेल लाइट जो है बल्ब ब्लिंकर्स विद बल्ब टेल लाइट, होंडा का ब्रांडिंग आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। रिफ्लेक्टर यहाँ पे दिया गया है, बाकी मडगार्ड भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो। टायर पैटर्न जो है पीछे से बेसिकली टायर प्रोफाइल इतना आप देख पा रहे हो। 3.00 जो है बहुत ज़्यादा ह्यूज लाइक वाइट टायर नहीं है। इधर आपका साड़ी घाट और लेडीज़ फुटवेयर कंपनी फिटेड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इसका जो चेन है फुल्ली कवर्ड है, तो चेन का उतना ज़्यादा मेंटेनेंस है नहीं। 4 स्पीड गियर बॉक्स है, 2 शिफ्टर हिल शिफ्टर दोनों शिफ्टर ही देखने को मिल जाएगा। साइज 10 विद साइज 10 इंजन कट ऑफ सेंसर भी दिया गया है, मिडिल स्टैंड भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। उसके साथ साथ इंजन के ऊपर आपको होंडा का ब्रांडिंग भी दिख रहा होगा। और ये सिंगल हॉर्न के साथ आता है, तो सिंगल हॉर्न आप यहाँ पे देख पा रहे हो। हैंडल बार जो है थोड़ा वाइड आप कह सकते हो, 100cc वाइज ग्लॉस ब्लैक फिनिश आपको यहाँ पे हैंडल बार का पाइप दिया गया है। और यहाँ पे आपको कोई भी इंजन की स्विच वगैरह नहीं मिलता है, सब आपको यहाँ पे सेल्फ बटन मिलता है। इधर आपका हाई बीम लो बीम इंडिकेटर का स्विच, एक बार हॉर्न भी सुन लेते हैं। हॉर्न जो है डिसेंट है, और यहाँ पे आपको कोई भी अलग से डीपर स्विच नहीं देखने को मिलता है। क्लच की अगर बात करें तो ठीक ठाक है, 100cc वाइज ठीक ठाक क्लच आपको यहाँ पे मिल जाता है। मिरर वगैरह जो है होंडा का मैक्सिमम बाइक में सेम रहता है, SP125 कह लीजिए या फिर दूसरा साइन वगैरह कह लीजिए, उसमें आपको सेम ही मिरर मिलता है। तो विजिबिलिटी जो है इससे आपको कहीं ना कहीं सही मिल जाएगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वही आपको पुराना जो CD110 वाला मॉडल था उसी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे देखने को मिलेगा। इधर आपका बाइक का फ्यूल गेज है वो भी एनालॉग में। इधर न्यूट्रल का सिग्नल, इंजन माल फंक्शन, इंडिकेटर का सिग्नल, हाई बीम का सिग्नल, होंडा का ब्रांडिंग यहाँ पे बैजिंग दिख रहा होगा। और आपको ये नया शाइन 100 कैसा लगा आप लोग जरूर नीचे मेरे को कमेंट कीजिएगा। और आपको अगर इस बाइक को खरीदना है, आप अगर वेस्ट बंगाल के रहते हो तो डेफिनेटली आप Cloud9 होंडा मोतुमुगड़ा में कांटेक्ट कर सकते हो। शोरूम का डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग सेफ रहे। टाटा गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।